ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन। तो डीपी रेगुलेशन की चार प्रोसेस होती है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, इंटरमीडिएट और मिसलेनियस। डीपी रेगुलेशन की चार प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और मिसलेनियस। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि जब किसी बीपी, किसी व्यक्ति का बीपी, जब हम बीपी की बात कर रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि हम मीन फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीन फ्लक्चुएशन। जब हम बात कर रहे हैं तो मीन फ्लक्चुएशन की बात कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कुछ सेकंड या कुछ घंटों से आगे पीछे हुआ है, विद इन सेकंड्स और फ्यू आवर्स, हाफ एन आवर, वन घंटा, एक घंटा, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की प्रोसेस आएगी और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अगर बीपी रेगुलेट होता है, अगर बीपी रेगुलेट नहीं होता है तो क्या होगा, वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी और दूसरी मैकेनिज्म आएगी जो बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कुछ सेकंड से कुछ घंटे, आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा आगे से वेरिएट कर रहा है तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आएगी और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अगर वो रेगुलेट कर पाती है तो वैलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रेगुलेट नहीं कर पाती है तो क्या होगा, मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी और दूसरी मैकेनिज्म आएगी, वो बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है भाई। अब एक है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी कुछ महीनों से, कुछ सालों से, बहुत लंबे दिनों से, 30 दिन 60 दिन 90 दिन, 3 महीने 4 महीने 6 महीने, अगर किसी व्यक्ति का बीपी कुछ दिनों, कुछ मतलब बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने या फिर कुछ सालों से वेरिएट कर रहा है, कौन सा बीपी, मीन ब्लड प्रेशर, तो उसकी बॉडी की व्यक्ति में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के थ्रू बीपी रेगुलेट करने की कोशिश होती है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी, जब हम बीपी की बात कर रहे हैं तो मीन ब्लड प्रेशर, तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कुछ महीनों से, कुछ सालों से वेरीज कर रहा है, जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कुछ महीनों से, कुछ सालों से वेरीज कर रहा है तो उसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के थ्रू बीपी रेगुलेट करने की कोशिश होती है। अगर क्योंकि इस प्रक्रिया में जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के थ्रू बीपी रेगुलेट हो रहा है वो किडनी के थ्रू होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी भी कहते हैं। तो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, जब किसी व्यक्ति का बीपी, जब हम बीपी की बात करते हैं, मीन ब्लड प्रेशर, तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर कुछ महीनों से, कुछ सालों से गड़बड़ है, आगे पीछे है, 95 से कम या 100 से ज़्यादा है, तो उसकी बॉडी में लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के थ्रू बीपी रेगुलेट करने की प्रोसेस होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में किडनी अपना रोल प्ले करती है या किडनी के थ्रू ये रेगुलेशन होता है, इसलिए इसको ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी भी कहते हैं। तो इसमें किडनी कैसे काम करती है, तो किडनी दो तरह से काम करती है, एक रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ और दूसरा एल्ब्यूमिन एंजियोटेंसिन रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ, रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ और दूसरा एल्ब्यूमिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो पहला आया रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ। तो रेगुलेशन ऑफ ईसीएफ, इसके थ्रू बीपी कैसे रेगुलेट होता है, तो ईसीएफ का नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ईसीएफ का नाम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी होगा तो सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति की बॉडी में बीपी बढ़ गया, किसी व्यक्ति की बॉडी में बीपी बढ़ गया, तो जब उस व्यक्ति की बॉडी में बीपी बढ़ जाएगा, जब उसकी बॉडी में व्यक्ति बीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, उसकी बॉडी से पानी ज़्यादा निकलेगा, उसकी बॉडी से सोडियम आयन ज़्यादा निकलेगा, कब, जब बीपी बड़ा होगा, कौन सा बीपी, मीन ब्लड प्रेशर। तो जब किसी व्यक्ति की बॉडी में मीन ब्लड प्रेशर बहुत लंबे महीनों से या बहुत सालों से वेरीज कर रहा है तो बॉडी में स्वतः चेंजेस होगा, तो क्या होगा, ईसीएफ के थ्रू, कि उस व्यक्ति को ज़्यादा सुसु आएगी, उस व्यक्ति की बॉडी से ज़्यादा यूरिन बाहर निकलेगी, पानी बाहर निकलेगा, तो आपकी बॉडी से जब पानी बाहर निकलता है दैट प्रोसेस नोन एज डाइयूरेसिस, डाइयूरेसिस। तो जब किसी व्यक्ति का बीपी बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो उसकी बॉडी में किडनी अपना रोल प्ले करेगी, बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। किडनी दो तरीके से काम करती है, एक ईसीएफ को कंट्रोल करके और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। ईसीएफ को कंट्रोल करके कैसे करती है, ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में बीपी बढ़ा हुआ है तो उस बॉडी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उस बॉडी से यूरिन पास होगी, पानी निकलेगा, बॉडी से पानी का बाहर निकलना, यूरिन का ज्यादा निकलना, इस प्रक्रिया को क्या
कहते हैं डायूरेसिस, क्या कहते हैं डायूरेसिस, और बॉडी से नमक भी ज्यादा निकलेगा, नमक मतलब सोडियम आएगा। तो जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ है, कौन सा बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत महीनों से या बहुत सालों से बढ़ा हुआ है, किडनी अपना रोल प्ले कर रही है, किडनी दो तरीके से काम करती है, एक ईसीएफ को रेगुलेट करके और एक रैनिक एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। ईसीएफ को रेगुलेट करके कैसे काम करती है, जब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी बॉडी से पानी ज्यादा निकलेगा, इस प्रोसेस को डायूरेसिस कहते हैं, उसकी बॉडी से सोडियम आयन ज्यादा निकलेंगे, इस प्रोसेस को नेट्रीयूरेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, नेट्रीयूरेसिस, नेट्रीयूरेसिस। तो जब बीपी बढ़ा हुआ होगा तो उसकी बॉडी से पानी ज्यादा निकलने लगेगा, उसकी बॉडी से सोडियम आयन ज्यादा निकलेंगे। जब पानी ज्यादा निकलेगा और सोडियम आयन ज्यादा निकलेंगे, तो सोडियम आयन अगर नमक नहीं खुला रखा हो तो नमक गीला गीला हो जाता है, क्योंकि नमक का नेचर है, सोडियम आयन का नेचर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, तो पानी को रोक के रखता है। तो जब आपकी बॉडी से सोडियम आयन निकल जाएंगे अगर, तो क्या होगा, पानी भी रुकना बंद हो जाएगा, पानी भी निकलने लगेगा। पहले डायूरेसिस हो रही है, साथ साथ नेट्रीयूरेसिस हो रही है, और जब नमक भी कम हो जाएगा तो पानी ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर कम रुकना शुरू होगा, और जब पाइपों में पानी ही नहीं होगा तो प्रेशर कैसा होगा, कम, कैसा होगा, कम। तो जो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ा हुआ था वो बीपी कम हो गया। फाइन, अब हम ठीक इसके 22% लेके चलते हैं। अगर सपोज किसी की बॉडी में बीपी कम है, बीपी कम है, कौन सा बीपी, मीन ब्लड प्रेशर, कौन सा बीपी, मीन ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी की बॉडी में मीन ब्लड प्रेशर कम है तो क्या होगा, उसकी बॉडी से ज्यादा पानी नहीं निकलेगा, उसको सुसु कम आएगी, उसकी बॉडी में ज्यादा सोडियम आयन रुके रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो सोडियम आयन रुके रहेंगे तो और जितना पानी पिएगा उसको भी रोक के रखेगा बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का बीपी बढ़ जाएगा। समझ आया? तो दिस इज रेगुलेशन ऑफ बीपी बाय ईसीएफ मैकेनिज्म। तो जब किसी व्यक्ति का मीन ब्लड प्रेशर, कौन सा ब्लड प्रेशर, मीन ब्लड प्रेशर बहुत महीनों से बहुत सालों से वेरीज कर रहा है, वेरीज कर रहा है मतलब 95 से 100 से 95 से कम या 100 से ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में जो है ये किडनी के थ्रू बीपी रेगुलेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि किडनी जो है वो के थ्रू रेगुलेशन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को ऑटो रेगुलेशन बाय किडनी भी कहते हैं। ये रेगुलेशन दो तरीके से होता है, एक ईसीएफ मैकेनिज्म के द्वारा, एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के द्वारा। फर्स्ट वी विल सी द ईसीएफ मैकेनिज्म के थ्रू कैसे होता है। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल जब बीपी बढ़ा हो, दूसरा एग्जांपल जब बीपी कम हो। वो मैडम मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो लुक एट मी, है ना, किताब तो तुम्हारे पास रहेगी 24 आवर्स, मैं नहीं रहूँगा, तुम इतनी पढ़ने वाली हो तब तक तुम पढ़ के मुझे सुना नहीं होती। जब मैं तो हम किसकी बात कर रहे थे, ईसीएफ मैकेनिज्म के थ्रू। तो ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं, जब बीपी बढ़ गया और दूसरा एग्जांपल जब बीपी कम हो गया। जब बीपी बढ़ गया तो बॉडी से पानी बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को डायूरेसिस कहते हैं, साथ साथ सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, इस प्रोसेस को नेट्रीयूरेसिस कहते हैं। तो सोडियम आयन भी निकल जाएंगे तो जितना पानी को व्यक्ति पी रहा है वो बॉडी के अंदर रुकेगा नहीं, वो भी बाहर निकलेगा, क्योंकि सोडियम आयन का नेचर होता है पानी को रोक के रखना। सोडियम आयन कम हो जाएंगे तो पानी उतना कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का बीपी जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, बीपी कम हो गया। जब किसी व्यक्ति का बीपी कम हो गया तो उसकी बॉडी से पानी निकलना कम हो जाएगा, मतलब उसको यूरिन कम आएगी, पानी निकलना कम हो जाएगा, साथ में उसकी बॉडी में सोडियम आयन भी कम निकलेंगे। कम निकलेंगे मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा रहेंगे, अच्छा बॉडी के अंदर ज्यादा रहेंगे तो वो पानी को रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। दिस इज ईसीएफ मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म, ईसीएफ। दूसरा है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो आपकी जो किडनी है, किडनी से क्या होता है, जब भी कभी आपकी बॉडी में बीपी घट जाता है, एग्जांपल लेके चलते हैं, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जब भी किसी बॉडी की व्यक्ति की बॉडी में बीपी घट जाता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी से रेनिन निकलेगा, किडनी से निकलता है रेनिन, क्या निकलता है रेनिन। अब वो रेनिन क्या करता है, दैट रेनिन जब किडनी से निकलता है तो वो एंजियोटेंसिनोजन आपकी बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन। तो जब वो रेनिन निकलेगा तो वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिनोजन, 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 जन इसमें कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1। कौन कन्वर्ट करेगा, रेनिन। रेनिन का
कहाँ से निकलेगा? किडनी से। जब किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है, मैं एग्जांपल लेके चलते हैं कि पहले बीपी कम हो रहा है, तो जब किसी व्यक्ति का बीपी कम हो रहा है तो आपकी किडनी से निकलेगा हार्मोन रेनिन, और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ACE, एक दूसरा एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो जब किसी व्यक्ति की बॉडी में बीपी कम होता है, तो उसकी किडनी से निकलता है रेनिन, क्या निकलता है रेनिन, वो रेनिन क्या करता है, वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। कौन? रेनिन। कौन कन्वर्ट करता है? रेनिन। अब दूसरा एक एंजाइम है बॉडी के अंदर ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास है एंजियोटेंसिन 2, क्या है एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 तीन तरीके से काम करेगा। पहला काम एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है कि सपोज जो आपकी बॉडी में आर्टरियोल्स है, वो आर्टरियोल्स को सपोर्ट देगा। पाइप में पानी बह रहा है, प्रेशर कम करने के दो तरीके हैं, एक तो पानी कम कर दो और एक पाइप का डायमीटर कम कर दो। जब पाइप का डायमीटर कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरियोल्स हैं वो आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। आपकी छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो सारी आर्टरीज कैसी रहेगी, सिकुड़ जाएगी। जब आर्टरीज कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेरिफेरल डिस्टेंस बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ेगा। पहला काम किसने किया, एंजियोटेंसिन 2 ने। क्या काम किया, आपकी बॉडी के अंदर जितनी आर्टरियोल्स थी उन आर्टरियोल्स को सिकुड़ दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया। जब आर्टरियोल्स सिकुड़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ा और बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। दूसरा काम क्या करता है कि किडनी, किडनी में आप पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स में पढ़ेंगे बाउमन कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल में ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू छन रहा है और इफरेंट के थ्रू वापस आ रहा है, अपरेंट के थ्रू आ रहा है छन रहा है और वापस आ रहा है। तो हमारे पास क्या है, एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करेगा, जो अपरेंट आर्टरियोल्स है, कौन से आर्टरियोल्स, अपरेंट आर्टरियोल्स, इन अपरेंट आर्टरियोल्स को भी सिकुड़ देगा। जब अपरेंट आर्टरियोल्स सिकुड़ जाएंगे जितना ब्लड नॉर्मली छनने के लिए आना चाहिए था उससे कम आएगा। पाइप छोटा हो गया ना, पाइप कैसा हो गया, छोटा, तो उससे कम आएगा, ब्लड कम छनेगा, कम छनेगा तो कम सूसू बनेगी, कम सूसू बनेगी तो बॉडी से कम पानी निकलेगा और कम पानी निकलेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पहला काम किसने, एंजियोटेंसिन 2 ने, किसने, एंजियोटेंसिन 2 ने पहला काम किया, किया कि आपकी बॉडी की जितनी आर्टरियोल्स थी वो सारी आर्टरियोल्स को सिकुड़ दिया। जब आर्टरियोल्स सिकुड़ गई रेजिस्टेंस बढ़ गया और ऑटोमेटिकली बीपी जो है बढ़ जाएगा। दूसरा काम उसने क्या किया, नेफ्रॉन्स में जो स्ट्रक्चर है अपरेंट बाउमन कैप्सूल, तो बाउमन कैप्सूल में एक आर्टरी की गुच्छे के थ्रू ब्लड आता है छनता है और एक आर्टरी गुच्छे के थ्रू ब्लड चला जाता है, जिसके थ्रू आता है उसे अपरेंट कहते हैं, जिसके थ्रू निकलता है उसको इफरेंट कहते हैं। तो दूसरा काम ये क्या करेगा, फॉर एंजियोटेंसिन 2, वो अपरेंट आर्टरियोल्स को सिकुड़ देगा। जब अपरेंट आर्टरियोल्स सिकुड़ जाएंगी तो जो छनने की जो प्रोसेस है ब्लड के वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ब्लड कम आ रहा है और जब कम छनेगा तो कम यूरिन बनेगी, कम यूरिन बनेगी तो बॉडी से कम पानी निकलेगा, कम पानी निकलेगा तो बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा स्टोर होगा और बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो पहला काम तो उसने क्या किया था कि जितनी भी बॉडी के अंदर आर्टरीज थी उनको सिकोड़ दिया था। दूसरा काम किया था इसने कि जो अपरेंट आर्टरियोल्स था उसको सिकोड़ दिया था। तीसरा काम ये क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, जब आप एडिटेंसम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एक कॉर्टेक्स और एक कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल, कॉर्टेक्स पे काम करता है, ज्यादा निकालेगा। एंडोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है जी, एंडोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में नमक को रोक के रखता है, क्या करता है, नमक को रोक के रखता है। तो ये ज्यादा एल्डोस्टेरोन निकाल रहा है, अब ज्यादा एल्डोस्टेरोन की वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा नमक रुकेगा, अगर ज्यादा नमक रुकेगा तो नमक का तो काम है, इसको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि पानी को रोक के रखना, वो आपकी बॉडी में ज्यादा पानी रोकेगा और ज्यादा पानी रोकेगा तो बीपी ऑटोमेटिकली
दिस इज वॉट की ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी। लास्ट टाइम एक बार समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब किसी व्यक्ति की बॉडी में मीन ब्लड प्रेशर 95 से 100 जो कि उसकी नॉर्मल रेंज है उससे कम या ज़्यादा कितने दिनों से, बहुत दिनों से या बहुत सालों से रहता है, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और इंटरमीडिएट रेगुलेशन जो कि पहले स्टार्ट हुई होगी और ऑटोमेटिकली फेल हो गई होगी, अब लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की प्रोसेस आएगी और बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। ये जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो किडनी के थ्रू होता है, इसके थ्रू होता है किडनी के, इसलिए इस प्रोसेस को ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी। किडनी दो तरीके से काम करती है, एक ईसीएफ के थ्रू और दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। ईसीएफ के थ्रू कैसे काम करती है? ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल कि उस व्यक्ति की बॉडी में बीपी बढ़ा हुआ था, जब बीपी बढ़ा हुआ था तो उसकी बॉडी से पानी बाहर निकलने लगा। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डाइयूरेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइयूरेसिस। दूसरा, उस बॉडी में बॉडी से सोडियम आयन बाहर निकलने लगे, रिमूवल ऑफ द एक्सेस सोडियम आयन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज नैक्टियूरेसिस। तो जब बीपी बढ़ा हुआ था तो डाइयूरेसिस बढ़ गया, नैक्टियूरेसिस बढ़ गया, तो सोडियम आयन रुक ही रहे हैं सारे बाहर निकल रहे हैं, तो आगे भी जो व्यक्ति पानी पिएगा वो भी उसकी बॉडी में रुकेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। तो जब पानी बॉडी से कम हो जाएगा तो बीपी बढ़ा हुआ था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो किडनी से एक हार्मोन निकलता है उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। रेनिन का काम क्या है? एंजियोटेंसिनोजन जो कि नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन बल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? रेनिन। एक दूसरा एंजाइम है ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास क्या है? एंजियोटेंसिन 2। क्या है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 दो तरीके से काम करेगा, पहला क्या, तीन तरीके से काम करेगा। पहला काम ये करेगा आपकी बॉडी में जितनी भी आर्टरियोल्स हैं उन सारे आर्टरियोल्स को सपोर्ट देगा, कंसेप्शन ऑफ द आर्टरियोल्स ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा? जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में अफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ब्लड आ रहा है चलने के लिए, उन अफरेंट आर्टरियोल्स को सपोर्ट देगा। जब अफरेंट आर्टरियोल्स सपोर्ट जाएंगे तो ब्लड कम मात्रा में चलने के लिए आएगा, कम चलेगा कम यूरिन बनेगी, कम यूरिन बनेगी बॉडी से कम यूरिन बाहर निकलेगी, इसका मतलब बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी रुकेगा और बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तीसरा काम क्या है? ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आपकी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है एड्रियल ग्लैंड। उसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, नाम है एड्रेनालिन। तो वो क्या करता है? एड्रियल ग्लैंड की कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि आप एड्रेनालिन ज़्यादा निकालो। अब एड्रेनालिन क्या करेगा? एड्रेनालिन का नेचर है जहाँ की भी एड्रेनालिन होगा वो सोडियम आयन को रोक के रखेगा, आपकी बॉडी के अंदर सोडियम आयन रुके रहेंगे। जब सोडियम आयन रुके रहेंगे तो क्या होगा? पानी का जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सोडियम आयन का काम है हाइग्रोस्कोपिक नेचर पानी को रोक के रखना। तो आपकी बॉडी में जब सोडियम आयन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पानी को रोकेंगे और बीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जैसे जब ये सब केसेस कब हुए? जब बीपी बढ़ा हुआ था। ठीक, इसके अपोजिट केस कब होंगे? तो बीपी बढ़ा हुआ होगा, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी, तो बीपी ज़्यादा नहीं रहेगी, पानी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा। इसका सेम वे दूसरा, जितनी भी आर्टरियोल्स हैं बॉडी के अंदर वो डायलेट हो जाएगी, बीपी ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे ही वाइस वर्सा, कि किस तरह से जब बीपी बढ़ा हुआ है तो जो चेंज होंगे उसके ठीक अपोजिट चेंज तब होंगे बीपी घटा हुआ है। किडनी का जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है दैट इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन बाई किडनी। एग्जाम में शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन बाई द किडनी। द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन बाई द किडनी। तो ACE क्या करता है? ACE एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा देता है, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन आपकी बॉडी में कैसे काम करता है? सोडियम आयन को रोक के काम करता है। तो दिस आर मे बी द सो मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट कम मे कम इन द मल्टीपल टेस्ट। ठीक है, और एक प्रश्न नंबर में भी आ सकता है कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन या ऑटो रेगुलेशन बाय किडनी एग्जांपल में भी आ जाए। समझ आया?